नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने शो में जिसका नाम है बातों बातों में। दोस्तों, फिल्में आप सभी देखते होंगे, लेकिन पर्दे पर चलने वाली फिल्म के पीछे भी एक ऐसी दुनिया है जिससे आप सभी वाकिफ नहीं हैं, और उन्हीं में से एक है लाइट और लाइट मैन। आज हम सभी के बीच शैलेंद्र जी बैठे हुए हैं जो कि लाइट की दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं। तो आइए बातें करते हैं शैलेंद्र जी से। नमस्कार सर। नमस्कार शैलेंद्र जी, आप हमें बताएं कि आपकी शुरुआत फिल्मों में कैसे हुई? हमारी शुरुआत तो बहुत कठिनदायक थी जी, बहुत सारी परेशानियाँ आई जी। इससे पहले हम बहुत अच्छे ऑफिस में काम करते थे। अच्छा। हमारे जीजा हैं जो बिल्डर हैं जी, उनके ऑफिस में मैं काम करता था। डेली घर से ऑफिस आना और ऑफिस जाना, और बहुत अच्छा चल रहा था जी। लेकिन एक होता है जो फ्रीडम होता है लाइफ में जी, वो नहीं था वहाँ पे। तो हमें ऐसा मतलब बार बार अपने मन में ख्याल आते थे कि हमें भी फ्रीडम मिलना चाहिए। अच्छा। अपनी लाइफ में कुछ करना चाहिए। तो वे रोज़ ऑफिस आने जाने से मतलब ज़िंदगी ऐसे चलने वाली नहीं है। हर आदमी के जीवन में अपना शौक होता है, अपनी शौकों को पूरा करने के लिए चाहिए। तो हमने सोचा क्यों ना अपना कुछ किया जाए, अपने बलबूते पे कुछ किया जाए। ये तो इनका बिजनेस है, वो अपना करेंगे। तो इसमें ये हुआ कि हमारे एक दोस्त थे जो हमारी काफ़ी पहले मुलाकात हुई थी उनसे, सुजान सिंह नाम था, तो वो पहले से ही काम करते थे ये लाइन में। तो हमने उनसे अपनी दिल की बात, एक बार मुलाकात हुई तो दिल की बात शेयर की कि हम भी कुछ करना चाहते हैं तुम्हारे जैसा फ्रीडम में जी। बोले कोई बात नहीं, लेकिन एक है हमारे लाइन में पैसे नहीं मिलते हैं स्टार्टिंग के, तो तुम्हें स्टार्टिंग कुछ सीखना पड़ेगा। तो हमने वहाँ से निकल के बोला ठीक है, कुछ ना कुछ तो करना है लाइफ में, तो थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो बोले ठीक है आ जाओ। उन्होंने क्या किया, हमें बालाजी टेली फिल्म में लगाया। मैंने बतौर कैमरामैन असिस्टेंट का काम वहाँ पे ज्वाइन किया। मैंने काफ़ी टाइम तक बालाजी में काम किया वहाँ पे, जो काफ़ी मतलब एक बोल सकते हैं कि लाइफ में बहुत वहाँ पे काफ़ी परेशानियाँ भी आई, क्योंकि स्टार्टिंग में वर्किंग पहले इसमें वहाँ पे पैसे नहीं मिलते थे कि स्टार्ट में पैसे कुछ नहीं मिलते थे। तो अपने कुछ पैसे हमारे पास थे जिससे हम लोग आते जाते थे, बाद में वो भी ख़त्म हो गए। तो हम लोग कुछ पैदल भी आने जाने लगे, कभी ऐसे आया कि हम भूखे भी सोए, खाने तक नहीं मिलते थे। फिर धीरे धीरे हमने सोचा कि यहाँ पे पेमेंट ज़्यादा से ज़्यादा 5,000-7,000 रुपये मिलते थे कुछ स्टार्ट हुआ सैलरी, लेकिन बोले हम यहाँ तक सीमित नहीं रहना चाहते हैं, हमें और भी पैसे कमाने हैं। तो उन्होंने बोला कि पैसे तो मिलेंगे, बट आपको और हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अच्छा। जो सबसे हार्ड वर्क अपने फिल्म लाइन में है वो है लाइट मैन का। अच्छा। लाइट मैन की ऐसी लाइफ है जो टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता है। एक तो उसकी टाइम जो लोग बोलते हैं कि शिफ्ट होता है, बट उनके लिए कोई शिफ्ट नहीं होता है। उनका एक जो शुरुआत होती है सुबह की, मॉर्निंग जो शुरुआत होती है, वो रात को एंडिंग कब होती है कुछ उनको खुद को पता नहीं रहता कब एंड होगा। हमने उन चीज़ों को भी देखा और उसको सोचा। फिर मैंने बोला हमें कुछ लाइफ में करना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। फिर हमने अपने असिस्टेंट का नौकरी छोड़ दिया। अच्छा। हमने लाइटमैन का नौकरी ज्वाइन किया। ज्वाइन किया तो उसमें भी स्टार्टिंग में थोड़े कम पैसे मिलते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे भी काम सीखना है। तो हमने वहाँ पे भी काम सीखा, कुछ पैसे मिले कुछ, लेकिन असिस्टेंट से ज़्यादा ही मिले। अच्छा। असिस्टेंट से ज़्यादा ही मिले, बट मेहनत काफ़ी ज़्यादा ये था जी। हम लोग बैठ के लाइट के पीछे से जो हीरो आते थे वो एक घंटा काम करते थे और चले जाते थे। हम सुबह से 5 बजे से काम करते रहते थे, गोडाउन पे जाते थे, लाइट लोड करते थे, फिर शूटिंग पे जाते थे, वहाँ पे लाइटें लगाते थे। कोई हीरो आता था, एक घंटा काम किया और वापस चले गए, उनका 40,000-50,000 रुपये एक एक दिन के, दो दो घंटे के पड्डे हुआ करते थे। हम लोग 400 रुपये 12 घंटे के लेते थे, जो कि हमारा काम वर्किंग तो 18 घंटे का हो जाता था। पैकअप के बाद 2 घंटा सामान लपेटना, वहाँ से आना, फिर गोडाउन पे सामान खाली करना। तो जिंदगी में ऐसा लगता था कि मतलब सबसे ज़्यादा वर्क जो होता है शूटिंग लाइन में वो सबसे ज़्यादा लाइटमैन का वर्क है। लाइटमैन का सबसे हार्डली वर्क है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कंपनियां जो होती हैं वो 12 घंटे का तो पैसा देती हैं, बट जो वो एक्स्ट्रा काम करते हैं, जो सेट के लिए काम करते हैं, उसका कोई पैसा नहीं मिलता है, जो कि वो हार्ड वर्क है, एक्स्ट्रा हार्ड वर्क है। हम जो वहाँ सेट के ऊपर मेहनत करते हैं उसका तो हमें प्रोड्यूसर पैसा देता है, लेकिन जो हम सेट की लाइटें लेके जाते हैं, लेके आते हैं, उसका हमें पैसे नहीं मिलते हैं।
तो जिंदगी में बहुत सारा ऐसा दुख होता है जो हम लोग मतलब घुट के रह जाते हैं कि कोई आर्टिस्ट आता है और 1 घंटा बोला और उसके बाद चला गया। हम लोग सुबह 5 बजे से रात को मेहनत कर रहे हैं, रात को 2-2 बजे तक 12 बजे तक सामान खाली कर रहे हैं, लेकिन हमारा पेमेंट इतना ही है 400 रुपये, जो कि उनके बॉय का उतना पेमेंट है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं सर। अच्छा एक बात बताइए, आपको कितना साल हुआ इस काम को करते हुए? करीबन 12 साल हो गए सर हमको। तो आज की डेट में आप कैसा अनुभव करते हैं इस काम के साथ, और इस काम से कितना प्रेम हुआ आपको करते हुए? काम से तो देखिए प्रेम तो काफ़ी हो गया है सर, ऐसा नहीं है जैसे स्टार्टिंग में थोड़ी तकलीफें होती हैं, बट अभी काम करते करते थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो गया, नॉलेज भी हो गया, तो अभी तो आदत सी हो गई है एक झेलने की कि नहीं अब जिंदगी में मतलब एक ये है कि वो करना ही है। तो काफ़ी अच्छा भी एक्सपीरियंस रहा। एक तो एक फिल्म लाइन में हमारे एक मतलब एक ये चीज़ है कि आप जो चीज़ नहीं देखना चाहते हैं वो भी आपको पैसे लेके देखते हैं। जी, टेक्नीशियन का क्या होता है, आप मेहनत करते हैं आपको पैसे मिलते हैं। जी हम लोग कभी आउटडोर जाते हैं, लोग सपना सोचते हैं कि हम कश्मीर जाएं, जी जी लेकिन हमें प्रोड्यूसर अपने पैसे से टिकट जी से लेके जाते हैं, वहाँ जी रहने की व्यवस्था करते हैं, जी फिर जी हमको खाना भी देते हैं, जी हम लोग काम करते हैं, जो कोई नहीं जा पाता वहाँ पे हम लोग फ्री में जाके लोकेशन भी देख के जी आते हैं। कई बार हम लोग मतलब फ्लाइट से भी जाते हैं, जी जैसे मैंने लाइटमैन के लिए मैं लंदन भी दुबई भी गया हूँ, जी जी जाके काम करके आया हूँ। तो काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी भी लगती हैं। यहाँ पे एक ग्रुप रहता है, जी जैसे हमारी लाइट टीम में क्या होता है 10 आदमी 12 आदमी का ग्रुप होता है, तो जी उनके साथ हम जितनी अपनी फैमिली के साथ में टाइम नहीं बिताते उससे कहीं ज़्यादा टाइम हम उनके साथ में बिताते जी हैं। तो एक उनके साथ काम करने में थोड़ा अच्छा लगता है, एक लगाव सा हो जाता है। जी तो ये काम जल्दी छोड़ने का मन तो नहीं करता, लेकिन एक आदमी है कि जो अच्छा होता है। बट एक चीज़ का हमें हमेशा दुख रहता है कि आखिर सबसे ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी हम लोगों का पेमेंट इतना कम क्यों है। जी कोई भी आर्टिस्ट एक आता है कि आप लॉजिक देख लीजिए कि 1 घंटे के लिए आया, ₹1,00,000 पर डे लेके गया। हम जी दिन भर जी जो 18 घंटा मेहनत करते हैं तो उसमें भी जी हमारे 1,000, 1,200, 1,500 ऐसे जी पेमेंट मिलते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा काम मेहनत हमारा ही होता है, लाइट का होता है। तो शैलेंद्र जी, जी सर। आपने 12 साल दे दिया इंडस्ट्री को, कोई ऐसा काम, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपको नहीं भूलता हो, जहां आपको बहुत आनंद आया हो? सर लाइफ में मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए, बट शूटिंग लाइन में ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं, जैसे कई ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो देखने में बड़ा फालतू लगता है, और बहुत सारे लोग एक्टर भी आते हैं जिनकी एक्टिंगें बहुत ही होती है। बट मैंने लाइफ में एक मराठी पिक्चर किया है, जो पिक्चर का नाम है स्वपन एक जिंद करके, क्या स्वपन एक जिंद स्वप्न एक जिंद? जी। अच्छा तो वो पिक्चर हमारे मतलब बहुत मन को बहुत अच्छा लगा, हमें काम करके भी अच्छा लगा, और जो आर्टिस्ट थे उनको भी एक्टिंग देख के भी, सब सारे थिएटर आर्टिस्ट थे, बहुत मेचुअर्ड आर्टिस्ट थे, और हर एक चीज़ प्रॉपर करते थे। वो एक विकलांग के ऊपर बनी थी जिसके दोनों हाथ नहीं थे बच्चे के, तो उसमें बच्चा कैसे अपनी लाइफ को शुरुआत करता है, जैसे हमने अपनी लाइफ को डाउन टू अर्थ शुरुआत किया, आज एक मुकाम तक है कि हमारा अच्छा खासा कुछ कमा लेते हैं जिस एक मुकाम पे हैं। तो जी वैसे वो बंदे के अंदर इतना आप सोच सकते हैं कि किसी के हाथ नहीं होते हैं तो वो क्या कर सकता है जी अपने खाने के लिए, कोई भी अपनी जो जिंदगी से रिलेटेड है, कोई भी चीज़ें धोने के लिए, हर चीज़ के लिए उसके जीवन में बहुत सारे दुख आते हैं। तो उसकी लाइफ के ऊपर उन लोगों ने फिल्म बनाई, तो वो जब पिक्चर में किया, 20-22 दिन तक हम लोग थे कोल्हापुर में, हमने जी शूटिंग किया, काफ़ी अच्छा लगा वो पिक्चर में। वो बच्चे ने एक्टिंग भी किया, करीब जी 12-13 साल का बच्चा था, जी लेकिन उसने ऐसी एक्टिंग की जैसे मैंने आज तक 12 साल के कैरियर में कभी जी नहीं देखा। क्या बात, क्या बात उसका पैरों से खाना खाना, पैरों से लिखना, जी उसकी लाइफ का एक ही ये था, थीम था उसका कि वो टीचर बने, अच्छा टीचिंग उसका हॉबीज था। हमने जी उससे कई बार जब शूटिंग के दौरान हमारा कई बार ये होता है, लंच टाइम होता है, ब्रेक जी टाइम होता है, तो हम उससे बातें करते थे कि आखिर आपकी लाइफ में इतनी तकलीफें हैं फिर भी आप अपनी लाइफ को इतनी इजीली कैसे जीते हो। जी और उसके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती थी। एक होता है कि आदमी के दोनों नहीं हाथ रहने पे अंदर से एक हेजिटेशन महसूस हो, लेकिन उस बंदे के अंदर चेहरे पे कोई एकदम शिकवा नहीं था, क्या बात है। क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस भरा हुआ था जी अपने वर्क को लेके, अपने टैलेंट को लेके। एक जो कॉन्फिडेंस था उसका, जी उस कॉन्फिडेंस को हम बहुत पहचानते थे, क्योंकि हमारे अंदर भी वैसा कॉन्फिडेंस है कुछ बनने जी का, लाइफ में कुछ करने का। जी तो वो बंदे का हमने पूछा तो बोला, दादा, हमारी लाइन में एक दादा शब्द है जो किसी को भी बड़े भाई को बोलते हैं, तो जी उसने बोला, दादा, हम लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। हमने पूछा भी, लाइफ में क्या करना चाहते हो? बोला,
दादा हम मास्टर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं। बोला अच्छा चलो अच्छी ख्वाहिश है तुम्हारी, जब यहाँ तक तुमने इतनी मेहनत की है तो अच्छा ही है। जो कि उस बंदे का जुनून इतना अच्छा था, हम लोगों ने शूटिंग के अंदर दिखाया भी कि वो कपड़े कैसे पहनता है, खाना कैसे खाता है, वो पैरों में चम्मच फंसा के और खाना खाता था जी। पैंट भी अगर शर्ट के बटन भी लगाने हैं तो उसके पैर ऐसे फोल्डेड होते थे कि वो उस टाइप में मतलब फोल्ड करके वो बटन भी लगा सकता है, पैरों के बीच में उंगली के बीच में वो लिखता था, ऐसी राइटिंग थी जो हम लोग हाथ से भी नहीं रख लिख सकते। तो उसके सारे काम पैर से होते थे, सारे काम पैरों से होते थे सर। बहुत अच्छा मूवी था, रिलीज भी हुआ काफ़ी टाइम, 4-5 साल हो गए हमको वो किए हुए, बट काफ़ी अच्छा लगा। तो लाइट दादा आप 12 साल से फिल्म इंडस्ट्री में हैं, लाइट का काम कर रहे हैं, आपने असिस्टेंट भी किया है कैमरे में जी। हम आपसे जानना चाहेंगे लाइट कितना महत्वपूर्ण है एक शूटिंग में। लाइट बहुत ज़्यादा महत्व है सर जी। जैसे आप किसी चीज़ को एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, कोई भी, जैसे हमारा ताजमहल है जी, हम लोग ताजमहल के बारे में बातें करते हैं, बट ताजमहल रात में नहीं दिखता है। सही बात। जब तक उसका लाइट अप आप नहीं करिएगा, कोई भी चीज को एक ग्लोइस दिखाना है तो आपको लाइट अप करना जरूरी होता है। दिन के उजाले में तो कोई भी दिख सकता है, लेकिन रात के अंधेरे में दिखाने के लिए लाइट की हमेशा जरूरत पड़ती है। जिंदगी में भी हम लोग कई बार एग्जाम्पल देते हैं कि उजाला, अगर जिंदगी में उजाला करना है तो उसके लिए लाइट पैदा करनी पड़ती है। तो वैसे आर्टिस्ट जितने होते हैं, अगर कितना भी उनको मेकअप कर दिया जाए, कितना भी वो कर दिया जाए, लेकिन अगर लाइट नहीं रहे तो वो उनका चेहरा किसी काम का नहीं, मेकअप किसी काम का नहीं। तो शूटिंग में लाइट का महत्व बहुत ज़्यादा है, एक तरह से बोला जाए तो बहुत बड़ा महत्व है लाइटिंग का शूटिंग में। अगर किसी चीज़ को हम लोग बड़े बड़े मतलब जो भी ये शो करते हैं या पिक्चर करते हैं तो उसके अंदर लाइट अप का बहुत ज़्यादा योगदान होता है आर्टिस्टों के लिए, खास तौर पे आर्टिस्टों के लिए लाइटों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, उनसे उनका ग्लोइस आता है लाइट का, उनको मतलब इतना ज़्यादा ये है कि उससे हम कैसे भी चाहे उनको दिखा सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें लाइट में, शूटिंग में लाइट सबसे इम्पोर्टेंट है जी, और शूटिंग लाइन में लाइटिंग जो होता है वो बहुत महत्व रखता है। चलिए जैसा कि आप बता रहे हैं कि आर्टिस्ट के लिए लाइट बहुत ज़रूरी है जी, यानी लाइट दादा भी बहुत ज़रूरी होंगे जी, जाहिर सी बात है। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, 12 साल का अनुभव हो गया आपको जी सर, कौन सा ऐसा आर्टिस्ट है जिसने आपको प्रभावित किया हो, अपने व्यवहार के माध्यम से या अपने काम के माध्यम से? ऐसे तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं सर, लेकिन बट आपको पता ही है कि फिल्म लाइन में जो भी पहले डाउन टू अर्थ स्टार्ट करते हैं, जो डाउन में रहते हैं, वो सबको मतलब महत्व देते हैं। अपर क्लास पे पहुंच जाने के बाद उनकी पिछली जिंदगी जो है वो याद नहीं करते, वो आगे ही निकलते जाते हैं। लेकिन जब तक कोई भी आर्टिस्ट होवे, जब थोड़ा सा मिडिल क्लास में रहता है तो हर आदमी को इज्जत देता है, हर टेक्नीशियन को इज्जत देता है, बट थोड़ा सा अपर लेवल पे पहुंच जाने पे उनका मेजोरिटी अलग हो जाता है, उनकी लाइफ अलग हो जाती है, वो स्टार हो जाते हैं। हम लोग को क्या है, हमारा तो वही है सर, हमारा हम वहीं से शुरुआत किए थे, वहीं पे हैं और वहीं पे रहते हैं। ऐसा क्या आपने देखा, लगभग हर आर्टिस्ट के साथ ऐसा होता ही है? 90% मैं मानता हूं कि 90% आर्टिस्टों के साथ ऐसा होता है। अच्छा। हो सकता है उनकी कुछ मजबूरियां हों जी जी, लेकिन होता है ऐसी चीज़ें जरूर हो जाती हैं कि ऑटोमेटिक जो फ्रिक्वेंसी होती है आदमी के अंदर की, उनकी लाइफ की चेंज ओवर की, कि हो सकता है पैसे आने के वजह से या कुछ भी आने के वजह से ये होता है। बट एक शूटिंग पे जो होता है कि शूटिंग के टाइम पे जब तक शूटिंग चलते रहता है तब तक हर आदमी एक टीम का हिस्सा रहता है, तो जब तक आप शूटिंग करते हैं तब तक हर आदमी आपको पूछता है, शूटिंग के बाद में आपको कोई नहीं पहचानता, चाहे हीरो हो, हीरोइन हो या प्रोड्यूसर हो, कोई भी हो, एक जब तक शूटिंग है आप शूटिंग करते रहते हैं तब तक हर आदमी आपको पहचानता है कि नहीं आप लाइट डिपार्टमेंट से हैं, भले पर्सनली एक नहीं होवे बट किसी के साथ में आप 1 महीना 2 महीना, कोई भी पिक्चर आप 2-3 महीना लगता ही है, तो किसी के साथ में आप रेगुलर बेसिस अगर काम करते हैं तो रेगुलर आपका चेहरा देखते देखते पहचान जाते हैं। हम लोग फिर लॉजिक बहुत सारी चीज़ें होती है कि जैसे दूसरी शूटिंग पे गए तो वही आर्टिस्ट हैं तो देख लिया, अरे सर हमने आपके साथ में वो पिक्चर, अच्छा हाँ हाँ याद है हमको, तो ऐसी कई बार होती हैं, तो याद कई बार उनको दिलाना पड़ता है कि हाँ सर हमने आपके साथ में काम किया है वो पिक्चर में, अच्छा। तो उनकी भी ये मजबूरियाँ हैं कि वो भी 10 जगह जाते हैं, 10 लोगों से मिलते हैं, तो वो भी हर आदमी को याद नहीं कर सकते। चलिए मान लेते हैं आर्टिस्टों की अपनी बंदिशें होती हैं, अब थोड़ा बात डायरेक्टर्स की भी कर ली जाए। आप किसी ऐसे डायरेक्टर का नाम लेना चाहेंगे जो बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, या एक जनरल डायरेक्टर्स और आपके बीच का बिहेवियर कैसा रहता है सेट पे? डायरेक्टर्स का मोस्टली तो टेक्नीशियन से बहुत कम ही लेना देना होता है जी, क्योंकि वो ज़्यादातर उनका आर्टिस्टों के प्रति, प्रोड्यूसर के प्रति, प्रोडक्शन हाउस के प्रति ज़्यादा झुकान होता है जी, तो उनका बिहेवियर एक्टरियत से देखा जाए तो
बहुत मतलब नॉर्मली ही होता है, उतना जी ज़्यादा हमारे से उतना ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होता है। हमारा सबसे ज़्यादा अटैचमेंट होता है कैमरामैन से, अच्छा जो कैमरामैन दादा होते हैं उनसे हम लोगों का बहुत ज़्यादा काफ़ी अटैचमेंट होता है, जी क्योंकि जी उनका वर्क और हमारा वर्क सेम ही होता है। जी जी हम उनके लिए काम करते हैं और वो हमारी काम की वजह से उनका भी प्रोग्रेस होता है। जी और सबसे ज़्यादा हमारा क्लोजली अगर शूटिंग में देखा जाए तो हम लोग ज़्यादा कैमरामैन के ही क्लोज होते हैं, अच्छा डायरेक्टर से हमारा बहुत कम ही मतलब क्लोजली हो पाता है। कहाँ, कौन सा ऐसा प्रोडक्शन हाउस है या कौन सा ऐसा प्रोडक्शन है जहाँ आप लोग बहुत फ्री महसूस करते हैं? आप कई जगह काम करते होंगे, जी सर, तो कैसा माहौल आप अपने अंदर से चाहते हैं कि प्रोडक्शन हाउस इस तरह का माहौल आपको दे? आपकी चाहत क्या है प्रोडक्शन हाउस को लेके? प्रोडक्शन हाउस को हमारी चाहत बस बहुत ज़्यादा नहीं है सर, बट हम किसी टीम को, जैसे हमने पहले भी बोला कि जब हम लोग शूटिंग पे होते हैं तो हम टीम वर्क होते हैं। जी जी एक टीम वर्क होने से फ़ायदा ये मिलता है कि हम किसी को, जैसे प्रोड्यूसर एक होते हैं जो पैसा लगाते हैं, बट एक होता है ना, जैसे हम खेत में मेहनत करते हैं, किसान मेहनत करता है फिर फल काटता जी है, खाता अमीर है, तो वैसी चीज़ होती है। जैसे पिक्चर तो बनती है, जी पिक्चर बनने में कम से कम 150-200 आदमी का योगदान होता है, जी बट सबसे ज़्यादा बैनर पे दिखता कौन है? हीरो, प्रोड्यूसर, जी डायरेक्टर और कैमरामैन, ये जी तीन लोगों के नाम आते हैं उसमें, जी आपने देखा होगा। तो हम प्रोडक्शन टीम से अगर काफ़ी टाइम, लंबे टाइम तक काम करते हैं तो हम उसको अपने घर के जैसा फील करते हैं कि नहीं, जी हमारा घर का काम है, जी घर का काम है, अच्छा होना चाहिए। हम कोशिश जी करते हैं कि जितना वो आगे बढ़ेगा उतना हम लोग आगे बढ़ेंगे, जी क्योंकि हमारा एक वर्किंग है, हमें कहीं ना कहीं तो काम करना है। हम भी चाहते हैं कि कोई एक अच्छा प्रोडक्शन हाउस मिले जिसमें हम लोग काम कर सकें और अपनापन महसूस कर सकें। जी ऐसी एक कंपनी थी हमारी, है भी अभी, पल्स मीडिया करके कंपनी है, जी उसमें अपना प्रोड्यूसर भी बहुत सारे क्लोजली थे, सारे लोग क्लोजली थे, क्योंकि हमने 4-5 साल उसमें जी कंटिन्यू काम किए हैं, तो उसमें ऐसा घर टाइप में महसूस होता था, क्योंकि किसी के साथ में आप 5 साल 7 6 साल सही आप सही रेगुलर काम कर स्वाभाविक लो है जी तो उनका बिहेवियर ऐसा अच्छा, कोई भी एक होता है कि अच्छा शैलेंद्र है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, उनको भी एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि जी नहीं हम जी इतने सालों से जानते हैं, जी कोई दिक्कत नहीं होगा काम में, कोई दिक्कत नहीं होगा, और काफ़ी सारी चीज़ें मतलब अटैचमेंट हो जाता है उनसे। तो सर आपने जैसे इतनी सारी बातें बताई, एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि बहुत से हमारे नवयुवक हैं जो फिल्म लाइन में आना चाहते हैं, लाइट मैन बन के काम करना चाहते हैं, कैमरामैन बन के काम करना चाहते हैं, कलाकार बन के और विभिन्न विधाओं में काम करना चाहते हैं, आप उनके लिए क्या कहेंगे? आपके माध्यम से कौन सा ज्ञान उनको मिलेगा ये हम जानना चाहेंगे। देखिए, मैं बोलना चाहता हूँ कि लाइफ में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, सब चीज़ पॉसिबल है। आज धरती पे जो भी चीज़ें हैं सब इंसान ने बनाया है जी और इंसान ने ही सारा चीज़ किया है, तो अगर वो कोई भी चीज़ को ठान लेते हैं तो वो पूरा 100% होगा। बस इसमें अपने दिल की फ्रिक्वेंसी जो होती है, एक दिल की फ्रिक्वेंसी होती है, एक माइंड की फ्रिक्वेंसी है, तो हमारा लगाव कैसे है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो आना चाहते हैं, करना चाहते हैं, इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, बहुत ख़राब भी है तो बहुत अच्छी भी है, इससे नो डाउट हर आदमी को यहाँ पे ऊपर बढ़ने का, डाउन टू अर्थ है, कोई जी भी बहुत जल्दी ऊपर जाता है, कोई थोड़ा जी धीरे धीरे जाता है, जी लेकिन उसके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा वर्क करते हैं, आपका क्या लगाव बात कैसा है। जी सक्सेस लाइफ में, ज़िंदगी में होना ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते, बट जी आपका मतलब दिल से कैसा, आप उस चीज़ को, काम को कैसे करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। और रही बात मतलब डिपार्टमेंट की, तो कोई भी डिपार्टमेंट, हम सबसे पहले ये बोलते हैं कि आपकी जो भी इच्छा हो, अगर लाइटमैन बनने की इच्छा है तो लाइटमैन का ही काम करिए आप, अगर कैमरामैन बनने की इच्छा है तो कैमरामैन का काम करिए, जो मतलब आपकी जिसमें लगाव हो गए, जिसमें आपकी फ्रिक्वेंसी बोलते हैं नहीं हमको जी ये काम करना है, तो जी वो उसमें सक्सेस बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप उस चीज़ को दिल लगा के काम करते हो, जिसमें अगर आपका दिल और दिमाग दोनों लग गया तो समझिए आपका लाइफ सेटल हो गया। सही बात। हम आशा करते हैं कि हमारे नए नवयुवक दर्शक जो इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे वो इनसे काफ़ी कुछ सीखेंगे। शैलेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद आप स्टूडियो में आए और अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो दोस्तों ये थे शैलेंद्र जी, हम आशा करते हैं इनकी बताई हुई बातें, इनका दिया हुआ ज्ञान आप सभी के काम आएगा। बहुत जल्द ही एक नई शख्सियत के साथ हम आप सभी के सामने फिर से उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।